गढ़ा थाना अंतर्गत एक सोने चांदी की दुकान पर पहुंची महिलाओं के गिरोह ने दुकानदार को बातों में उलझाया और लगभग 60,000 की कीमत का एक कंगन पार कर दिया। दुकान से कंगन चोरी होने की भनक दुकानदार को जरा भी नहीं लगी। महिलाएं अपना काम करने के बाद तुरंत ही वहां से निकल गईं और दूसरे ग्राहक को दिखाने के लिए जैसे ही सराफा व्यवसायी ने कंगन को उठाना चाहा तो वह अपनी जगह से गायब था। तत्काल ही सीसीटीवी कैमरे से चेक किया गया तो महिलाओं की कारस्तानी सामने आ गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा रहा था कि किस तरह से महिला कंगन पर हाथ साफ कर रही हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं को ढूंढ रही है। दुकान संचालक निर्मल चंद जैन का कहना है कि पहले तो दो महिलाएं आई, उसके पश्चात तीसरी महिला ग्राहक बनकर आई, इसी बीच उनका बेटा भी आ गया तो दोनों ग्राहकों को अटेंड करने लगे। इसी बीच महिला ने लगभग 60,000 की कीमत का कंगन पार कर दिया। पुलिस ने सराफा व्यवसायी को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सातिर महिलाओं को पकड़ लिया जाएगा। हमारे यहाँ एक ग्राहक के तौर पर दो महिलाएं आई पहले, उसके बाद में एक महिला आई ग्राहक के तौर पर, उनमें मेरी सोने चांदी की दुकान है, वहाँ पर मैंने उनको सामान दिखाया और उसी दौरान मेरा बेटा भी आ गया। एक ग्रुप को मैंने दिखाया, दूसरे को बेटे ने दिखाया और उसी दौरान दिखाते दिखाते एक महिला ने बड़ी सफाई से लगभग 60,000 सोने की ज्वेलरी, डबल कुंदा लॉकेट कहलाता है, और उसको पार कर दिया बड़ी स्पेशल टेक्निक से, है ना। हम लोग उसको चेक नहीं कर पाए और जब दूसरा ग्राहक आया उसी आइटम को मांगने के लिए तो देखा तो वो आइटम नहीं थी। जब नहीं थी तो फिर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें वो क्लियर समझ में आ गई। जब वो समझ में आई तो उसकी जानकारी हमने गढ़ा थाने में दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र से शीघ्र उसको चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम निर्मल चंद जैन है, संचालक शगुन श्री ज्वेलर्स गढ़ा बाजार, रामलीला मैदान के सामने फुलकी के ठेले खड़े होते ना, गढ़ा स्कूल के गेट के सामने है शगुन श्री ज्वेलर्स गढ़ा बाजार।